हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेजन पे लेटर का ईएमआई वाला जो पेमेंट होता है उसे क्लियर कैसे करें। मान लो कि आपने अमेजन पे लेटर के द्वारा ईएमआई पर मोबाइल फोन लिया है, अब आपको यहां पर एडवांस में पेमेंट पे करना है, या फिर ये कहें कि आप ऑटो पे यानी ऑटो डेबिट वाला जो ऑप्शन होता है उसे ऑफ करके रखे हो और खुद से मैनुअली यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए। आपको करना क्या है, बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, अमेजन पे वाले ऑप्शन को आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद में ऊपर में आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है अमेजन पे लेटर का, तो आपको क्या करना है, इसे ओपन करना है। इस पर क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। देख सकते हो 3320 रुपए मेरा ईएमआई बाकी है, जो कि 5 जुलाई तक हमें पे करना है। हर महीने के आपको 5 जुलाई तक आपका पेमेंट जितना भी होता है बकाया वो आपको पे करना होता है, वरना इसके बदले में आपसे चार्ज लिया जाता है। और हाँ देखो, जैसे ही आप पेमेंट करने जाओगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, पे टोटल आउटस्टैंडिंग और यहाँ पर ऊपर में पे करेंट आउटस्टैंडिंग। पे टोटल आउटस्टैंडिंग में जाओगे तो ये ईएमआई के लिए दिक्कत हो जाएगा। मैंने मान लो कि यहाँ पर 12 महीने का ईएमआई करवा रखा है, एक ही बार में पेमेंट कर दूंगा तो फिर ईएमआई का फायदा नहीं होगा, इंटरेस्ट तो उतना लग ही जा रहा है। ओके, तो मुझे क्या करना है, पे टोटल आउटस्टैंडिंग पर नहीं करना है, पे करेंट आउटस्टैंडिंग को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर पेमेंट कर देना है। आप लोग भी यही करना, पे करेंट आउटस्टैंडिंग को ही प्रेफर करना है। जब भी आप पेमेंट करो अमेजन पे लेटर का या फिर अमेजन पे लेटर के द्वारा ईएमआई का, तो आपको क्या करना है, अमेजन पे लेटर वाला में जो दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है ऊपर वाला पे करेंट आउटस्टैंडिंग, इसी को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर पे नाउ का बटन है, पे नाउ कर देना है। और हाँ, रिपेमेंट में जाओगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा कि अगर आप 5 तारीख तक पेमेंट नहीं करते तो कितना फाइन लगेगा, रिपेमेंट कैसे कर सकते हो वगैरह वगैरह। यहाँ पर बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। तो हम यहाँ से बैक चले जाएंगे, पे करेंट आउटस्टैंडिंग को सेलेक्ट करेंगे जो कि ऑलरेडी सेलेक्ट है। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हो पे नाउ का बटन है, पे नाउ पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप जैसे चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो, बस इस बात का ध्यान रखना कि क्रेडिट कार्ड से यहाँ पर आपको पेमेंट नहीं करना है, क्रेडिट कार्ड आर नॉट अलाउड, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो पेमेंट आप कैसे करोगे, तो डायरेक्ट अमेजन पे का जो यूपीआई है उससे पेमेंट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर अदर यूपीआई ऐप को सेलेक्ट करना, फोनपे गूगल पे पेटीएम, इसके बाद में आप जैसे चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पर गूगल पे को सेलेक्ट करूंगा और आपके आंखों के सामने लाइव प्रूफ पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट करके दिखाऊंगा। तब तक आप लोग प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। देखो फ्रेंड्स, पेमेंट करना बहुत ज्यादा इजी है, अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, मैं इंस्टेंट आपका प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो देख सकते हो बातों ही बातों में मेरा यहाँ पर 3320 रुपए का पेमेंट कंप्लीट हो चुका है, यानी कि इस मंथ का ईएमआई अमेजन पे लेटर से मैंने यहाँ पर मोबाइल फोन मंगाया था ईएमआई पर, उसका इंस्टॉलमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था वो क्लियर हो चुका है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अपना अमेजन पे लेटर का पेमेंट कंप्लीट कर देना है, यानी कि रिपेमेंट यहाँ पर कंप्लीट कर देना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज आप लोग नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज यार जाते जाते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। बाय फ्रेंड्स, सी यू अगेन।